धर्मशाला कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस के तहत बीटेक, एमबीए और एमसीए के लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धर्मशाला कॉलेज में बीटेक, एमबीए और एमसीए की 60-60 सीटें यानी कुल 180 सीटें भरी जानी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा 11 से 13 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स कॉलेज बारे अपनी चॉइस दे सकेंगे। बीटेक के लिए एडमिशन जेईई मेन के आधार पर होगा, जबकि एमबीए और एमसीए के लिए एडमिशन क्वालिफाइंग एग्जाम के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। धर्मशाला कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि एमबीए, एमसीए और बीटेक की कक्षाएं सेल्फ फाइनेंस के तहत चलाई जाती हैं। इसके लिए प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जो कि 15 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। विश्वविद्यालय ही कॉलेज को स्टूडेंट्स सेलेक्ट करके देगा। प्रथम चरण की काउंसलिंग की पहली सूची कॉलेज को तकनीकी विश्वविद्यालय ही जारी करेगा तथा विश्वविद्यालय ही अनुमोदन करके स्टूडेंट्स को धर्मशाला कॉलेज में भेजेगा, जबकि दूसरी सूची के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय ने कॉलेज प्रशासन को ये अनुमति दी है कि कॉलेज प्रशासन स्टूडेंट्स से आवेदन करवा सकता है। ऐसे में जो सीटें खाली रहती हैं उनके लिए भी कॉलेज प्रशासन उसके लिए निर्धारण करके प्रवेश दे सकेगा। सभी एडमिशन ऑनलाइन ही होंगी। बीटेक के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय जेईई मेन के द्वारा ही चयन करेगा। उसकी सूची जारी विश्वविद्यालय जारी करेगा। पहली सूची तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से जारी की जाएगी। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में जो एमबीए, एमसीए तथा बीटेक की कक्षाएं जो सेल्फ फाइनेंस के द्वारा चलाई जाती हैं, इसका शेड्यूल जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है तथा विश्वविद्यालय ने जो हमें शेड्यूल जारी किया है उसके अनुसार से महाविद्यालय में विश्वविद्यालय ही छात्र जो है वो सिलेक्ट करके महाविद्यालय को देगा। ये शेड्यूल 15 से 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसके लिए जो प्रथम हमारा जो पहली जो हमारी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, उसकी जो सूची है जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सूची है वो विश्वविद्यालय द्वारा ही हमें जारी की जाएगी तथा विश्वविद्यालय ही उसका अनुमोदन करके छात्रों को महाविद्यालय के प्रति भेजेगा। लेकिन जो द्वितीय सूची है उसमें विश्वविद्यालय ने हमें ये अनुमति प्रदान की है कि आप स्वयं जो हैं वो महाविद्यालय छात्रों से आवेदन करवा सकता है। इसलिए हम जो यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं छात्र, हमारा उनसे निवेदन है, अनुरोध है कि वो छात्र जो हैं वो यदि हमारे पास कुछ सीट्स खाली रहती हैं तो उसको हम महाविद्यालय स्वयं उनका निर्धारण करके उनको एडमिशन देने के लिए जो है विश्वविद्यालय ने हमें अनुमति प्रदान की है। ये अभी तक जो एडमिशन होगी ये सारी की सारी एडमिशन जो है हम इनको जो है ऑनलाइन ही करेंगे और हमारा ऑनलाइन ही करने का कार्यक्रम है। सूची जो विश्वविद्यालय जो सूची जारी करेगा वो विश्वविद्यालय जो इनका जेई मेन है उसके द्वारा ही जो छात्र जिनका चयन होगा वो सूची जारी की जाएगी। तो प्रथम जो राउंड है उसमें तो विश्वविद्यालय जेई मेन के द्वारा ही जो है उसका चयन के द्वारा ही छात्र हमारे पास आएंगे। लेकिन जो दूसरी सूची होगी जिसमें महाविद्यालय भी स्वयं उनकी चयन कर सकता है, उसमें हम मेरिट बेस के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स की एडमिशन करेंगे, उनका महाविद्यालय में जो है वो एडमिशन होगी।